प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों में अवलोकन पद्धति का, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अवलोकन एक सामाजिक अनुसंधान पद्धति है। शोध या अनुसंधान के प्रकारों के अध्ययन के लिए चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर शोध या अनुसंधान के प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। अब हम अपने वीडियो की ओर आते हैं। अवलोकन पद्धति या ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, और यह सबसे प्रचलित पद्धति है। मोजर ने इसे वैज्ञानिक शोध शास्त्रीय पद्धति भी कहा है। अगर हम अवलोकन के अर्थ की बात करें तो अवलोकन का तात्पर्य देखने से, प्रेक्षण या निरीक्षण से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे यह कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए घटित होने वाली घटनाओं को देखना ही अवलोकन की श्रेणी में आता है। यदि हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की परिभाषा की बात करें तो मोजर के शब्दों में ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ पर एक अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करता है, और जो भी कुछ वह देखता है और जो भी जानकारी प्राप्त करता है वह अवलोकन की श्रेणी में आता है। बात अगर अवलोकन की विशेषता की करें तो अवलोकन की पहली विशेषता यह है कि यह एक प्रत्यक्ष पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग होता है, एक प्रत्यक्ष पद्धति और दूसरा अप्रत्यक्ष पद्धति, जिनसे हम मूर्त एवं अमूर्त घटनाओं का पता लगाते हैं। अवलोकन एक प्रत्यक्ष पद्धति है जिसमें शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और उनसे निष्कर्ष निकालता है। अवलोकन की दूसरी विशेषता यह है कि सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तीसरी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति। अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा हम आँखों से देखकर सामग्री या तथ्य का संग्रहण करते हैं, इसलिए इस पद्धति में वैज्ञानिकता पाई जाती है। अवलोकन की चौथी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से विश्वसनीय सामग्री को इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें एक अध्ययनकर्ता सूचना एवं तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होते देखकर संकलित करता है, फलस्वरूप संग्रहित सामग्री सत्य एवं विश्वसनीय होती है। इसके अलावा अवलोकन पद्धति या प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के लिए भी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। अवलोकन पद्धति के माध्यम से विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन भी कर सकते हैं।